हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ डी आर एक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग कवक जगत पिछले क्लास में पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पादप जगत यानी कि प्लांटी किंगडम तो अगर आप नए हों तो पहले की क्लासेस आप जाके देख सकते हो पहले के लेक्चर आप जाके देख सकते हो और जो नए हैं उन्हें पता होगा कि कवक जगत यानी कि मोनेरा जगत प्रोटिस्टा जगत और जो फंगी है ठीक है ये फंगस जगत जो तीनों जगत है हम लोग देख चुके हैं और आज से हम लोग जो हैं ये जो पादप जगत है इसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से तो पादप सो वन मिनट देखो फंबल हो जाता है मैंने बताया आपको मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ बस एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने तो चलो एक्टिंग करते हैं और पढ़ाता हूँ मैं आपको हाँ अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं आपको पढ़ा अच्छे से सकता हूँ एक्टिंग में शायद थोड़ी कमी हो सकती है चलो तो आगे देखते हैं पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यू कैरियोटिक है ठीक है प्लांटी जगत की बात करते हैं तो इसमें सभी की सभी कौन सी कोशिका आती है यू कोशिका और वो भी मल्टी यानी कि बहु कोशिक आगे देखेंगे हम लोग तो यू कैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं ठीक है क्लोरोफिल होते हैं ऐसे जीवों को पादप कहते हैं तो ये याद रखना है कि जब भी प्लांट की बात करेंगे तो दो चीज़ यूकैरियोटिक कोशिका होंगी क्लोरोफिल होंगी यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है ऐसे जीव को हम लोग पादप कह देते हैं इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी होते हैं कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी भी होते हैं देखो इसका मतलब क्या है कीट भक्षी का मतलब क्या है कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं यानी कि भोजन कहाँ से लेंगे कीटों का भक्षण करके कीट भक्षी अभी तक आपने ऐसा देखा था कि कीट जो है किसी चीज़ का भक्षण करते हैं कीड़े मकोड़ों को खा मतलब कीड़े मकोड़े तो यही है मतलब इससे छोटे कीड़े मकोड़ों के खाते हैं तो यहाँ पे जो है जो प्लांट है ये भी जो है कीट को खा रहा है तो पादप कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी का, का मतलब क्या होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहे हैं तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर आंशिक रूप से विषमपोषी आंशिक रूप से मतलब पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे मन हुआ तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे और नहीं हुआ तो नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सो वन मिनट ब्लेडर वर्ट ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाइट्रैप कीडभक्सी पौधे के और अमरबेल जिसको हम लोग कहते हैं किसुटा जी का उदाहरण है तो ये उदाहरण है याद रखना है क्वेश्चन आ सकते हैं सो वन मिनट इसलिए एनसीआर का मैं बोलता हूँ एक भी लाइन नहीं छोड़नी है आपको पादप जगत तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है सो so, इसको मेरे को करना पड़ेगा नीचे हाँ अब समझ में आ जाएगा देखो तो एक क्या है हमारा ब्लेडर बर्ड और एक क्या है वीनस फ्लाई ट्रैप कीट कीटभक्सी पौधे के ये कौन से पौधे हैं कीट कीटभक्सी क्लियर है तक के जो कीटों का क्या करते हैं भक्षण करते हैं तो और अमरबेल उदाहरण है, है। यानी कि है। है अमरबेल देखी होंगी आपने नहीं देखी होंगी तो बाबा गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा चलो आगे देखें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है याद रखना तो ये जो प्लांट कोशिका है तो इसमें जो है वैसे तो ऐसी रहती है प्लांट सेल सो वन मिनट ये बन गई प्लांट सेल और यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्ति का होती है ठीक है तो ये याद रखना इसमें कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सॉरी प्लांट की जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति वो सेलुलोस की बनी होती है और इनकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन अध्याय तीन में हम लोग पढ़ेंगे तो आने वाला चैप्टर जो है पादप जगती है प्लांटी जगती तो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर प्लांटी जगत में कौन कौन आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिए गए हैं सैवाल आएंगे ब्रायोफाइट आएंगे टेरिटोफाइट आएंगे और कौन आएंगे जिम्नोस्पम और एनचोस्पम जिम्नोस्पम जिसको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी और इसको हम लोग कहते हैं एन को आवृत बीजी तो ये भी जो है पाँच कैटेगरी में डिवाइड है तो ये आपको याद रखना है इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएँ होती हैं द्विगुणित बीजाणु उद्बोधभिद तथा अगुणित युग्मोद्भित अवस्था क्लियर है तो ये याद रखना अब ये कुत्ते चै पाँच छः भाव चाँ चाँ भाव भाव क्यों कर रहे हैं पता नहीं चलो तो यहाँ पे पादप के जीवन चक्र की बात करते हैं तो दो अवस्था देखने को मिलेंगी एक तो द्विगुणित वाली जो बीजाणु है कैसे बनेंगे एक बार द्विगुणित अवस्था में तथा एक बार जो है अगुणित युग्मोद्भिद भी बनेगा अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे पर ये चीज़ आपको याद रखनी है इन दोनों में पीढ़ी एकांतर होता है पीढ़ी एकांतर यानी एक पीढ़ी ये होंगी दूसरी पीढ़ी ये होंगी विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में आगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्था की लंबाई और ये प्रवस्थाएं है मुक्त जीवी होती है मुक्त यानी स्वतंत्र होती है अथवा दूसरों पर निर्भर करती है ठीक है मुक्त जीवी होती है और ये दूसरों पर भी निर्भर करती है इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अनुसार विभिन्न होती है युग्मनज टन देखो युग्मनज हमेशा ट्वेन होता है ये याद रखना युग्मनज का मतलब होता है जायकोट में मियोसिस विभाजन के द्वारा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन वो होता है जिसके अंत में चार कोशिका बनती है और हमेशा अगुणित बनती है तो मियोसिस विभाजन के द्वारा ये द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोदिद बनाते हैं युग्मक की बात करें नर तथा मादा युग्मोदिद पर बनते हैं ये जो युग्मक है कहाँ बनेंगे युग्मोदिद पद बनेंगे क्या होते हैं आगे देखेंगे हम लोग जो सलिन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं युगमनस से बीजाणु उद्भोधित विकसित होता है इस प्रक्रम को संतति एकांतर कहते हैं आप इस जगत का विस्तृत वर्णन अध्याय तीन में पढ़ेंगे। ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो बताई है ये अध्याय तीन में हम लोग डिटेल में देखेंगे तो ये आपको याद रखना बस ये याद रखना है कि यहाँ पर पहले द्विगणित होगा जैसे कि ये जायगोट है ये जायगोट कैसा होगा वन मिनट जायकोट कैसा है टूवेन होगा और फिर इसमें हो जाएगा मियोसिस और मियोसिस के बाद जब विभाजन होगा तो यहाँ पे अगुणित बीजाणु यहाँ पे बनेंगे ठीक है इसके बाद बात करते हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर ये जो बीजाणु बने हैं ये अंकुरित होकर यहाँ पे क्या बनाएंगे युग्मोदिद बनाते हैं ठीक है यानी कि गेमेटोफाइट जिसको हम लोग कहते हैं और युग्मक की बात करते हैं ये जो युग्मक था सॉरी ये जायगोट था यहाँ दो युग्मक जिसको हम लोग गैमेट कहते हैं तो ये दो गैमेट से ही यहाँ पे जायगोट बना था तो युग्मक नर व मादा युग्मोदित पर बनते हैं ठीक है ठीके? एक स्ट्रक्चर होता है युग्मोदित उस पर बनते आगे देखेंगे जो सलैर होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं जैसे जायगोट बनाते हैं ये बन गया द्विगुणित युग्मक से बीजाणु उद्भिद ये जो जायगोट है इससे जब बीजाणु बनेंगे तो इस प्रक्रम को हम लोग संतति एकांतर कहते हैं क्लियर है चलो आगे देखें हम लोग अब बताया गया है जंतु जगत यानी कि एनिमेल या किंगडम तो इस जगत के जीव विषम पोसी यू कैरियोटिक होते हैं विषम पोसी यानी कि ये मतलब दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं विषम का मतलब सॉरी वन मिनट वन मिनट विषम मतलब कि हिट्रो हेट्रो हेट्रो ठीक है हेट्रोटॉपिकट्रो का मतलब क्या होता है आधे आधे ठीक है कि यहाँ पे ये कई बार खुद से भी भोजन बना लेते हैं और कई बार दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं और ये बहु होते हैं तो ये याद रखना है और इनकी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है याद रखना जब भी जंतु जगत की बात करते हैं तो यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं होंगे ये भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं ठीक है थीके? तो ये याद रखना है यहाँ सो सौवन मिनट तो यहाँ लेना है ब्रेक और इसके बाद करना है कंटिन्यू चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया किंगडम तो इस जगत के जीव विषम पोसी यू कैरियोटिक है जो बहुपोस की है विषम पोसी का मतलब कहता तो है हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ चैप्टर के इंट्रोडक्शन में तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाके पहले अटेंड कर लो उसको और जिन लोगों को पता है कमेंट्स बॉक्स में बताना है मुझे कि विषम पोसी होते क्या है ठीक है इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग तो ये बहु कोश की है और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है तो याद रखना जो एनिमल जो है उसमें कोशिका भित्ति आपको देखने को नहीं मिलेंगी और ये भोजन के लिए परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं जैसे हम लोग खाना क्या खाते हैं जितने भी जंतु हैं ये खाना क्या खाते हैं पेड़ पौधे है। तो ये डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है पेड़ पौधे पे लेकिन अब कुछ महान लोग होंगे वो हो बोलेंगे नहीं नहीं सर हम तो जो है चिकन खा लेते हैं मुर्गा खा लेते हैं बकरा खा लेते हैं तो फिर हम तो जो है पेड़ पौधों पे डिपेंड नहीं है लेकिन आप जो बकरा खा रहे हो मुर्गा खा रहे हो वो तो डिपेंड है ना पेड़ पौधे पे वो तो वही खाता है तो इसलिए जो है इनडायरेक्ट रूप से भी जो है हम लोग भोजन के लिए जो है पौधों पे निर्भर रहते हैं तो ये आपको याद रखना है इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट तो ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में चबाते हैं ठीक है क्या होता है भोजन की बात करते हैं देखिए ये माउथ है यहाँ पे ये आंतरिक गुहा होती है यहाँ भोजन जाता है तो वहाँ पे ये आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं जैसे हमारी भी बात करें हम लोग मनुष्य की भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमको ग्लूकोस मिलता है और बची एनर्जी किसके रूप में स्टोरेज रहती है ग्लाइकोजन ठीक है तो ये ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं इनमें बात करें तो प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है यानी भोजन को खाना होता है अंतर्ग्रहण का मतलब इसके बाद इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं ठीक है वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न क्या है पैटर्न ये है सो वन मिनट जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया कि बच्चा पहले चुन्नुमनु रहेगा फिर थोड़ा सा किशोर अवस्था आएंगी थोड़ा सा बड़ा होगा किशोर अवस्था से जवानी वाली स्टेज आएंगी फिर आ जाएगा बुढ़ापा और फिर उसके बाद इसकी हो जाएंगी डेथ यही पैटर्न होता है तो ये याद रखना और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं ठीक है तो धीरे धीरे ये वयस्क बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति व माप होती है उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है अब उच्च कोटि के कौन है हम लोग उच्च कैटेगरी के हैं ठीक है उच्च कोटि के जानवर हैं हम उच्च कोटि के एनिमल है देखो एनिमल किंगडम में ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो याद रखना स्कूल में जब हमको एनिमल बोल दिया जाता था बच्चों को बोल दिया जाता था ए जानवर तो बहुत बुरा लग जाता था अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग उच्च कैटेगरी उच्च कैटेगरी के जानवर है हम लोग ठीक है तो ये याद रखना उच्च कैटेगरी के जीवों में विस्तृत संवेदी का मतलब क्या होता है सेंसेशन जैसे आप किसी के ऊपर बर्फ डाल दोगे या आग को टच भी कर दोगे तो क्या तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि क्या मतलब कुछ सिग्नल जनरेट होंगे बहुत जल्दी होंगे तो ये याद रखना इनमें भी अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं चलन यानी कि चलने में सक्षम होते हैं जैसे हम लोग दौड़ा भागी करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लैंगिक जनन सॉरी वन मिनट लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है यानी कि मेल और फीमेल जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ठीक है और इसके बाद में भ्रूण का विकास यानी कि कैसे मिलते हैं तो मेल की बात करते हैं इनका स्पम इनका ओवम इनका स्पम और ओवम आपस में मिलेगा क्या बनाएगा जायगोट बनाएगा ये तो गैमेट होते हैं और जायगोट देखो गैमेट का मतलब होता है युग्मक ठीक है और जायगोट का मतलब क्या होता है युग्मनज जब ये मिलेंगे तो जायगोट के बाद क्या बनेगा तो दिया हुआ का हाँ ये जायगोट के बाद बनेगा भ्रूण का विकास होता है और संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय फोर में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे क्लियर है इसके बाद अगला टॉपिक विषाणु यानी वायरस वायरोइड प्रोसक ये सॉरी प्रोसंख यानी कि प्रियोन और लाइकन तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं क्लियर है चलो तो आज के लिए इतना ही जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स में आपको यस yes टाइप करना है अगर क्लास समझ में आई हो तो तो आपको यस yes टाइप कर देना है क्लास समझ में आई है अगर आपको तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास दे लें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए मुस्कराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए इसी तरह जीवन का आनंद लेते हुए मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए तो जब तक ले थैंक यू बाय बाय एंड कोफर सक्सेस